नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं त्रिभुज का थ्योरम। पहला थ्योरम है, किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी त्रिभुज है, इसके भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा, ये डी ई एफ, इसका नाम देते डी एफ। तो जो ए बी सी त्रिभुज होगा वही डी ई एफ भी होगा। अगर ए बी सी समबाहु त्रिभुज होगा तो डी ई एफ भी समबाहु होगा। अगर ए बी सी विषमबाहु त्रिभुज होगा तो डी ई एफ भी विषमबाहु त्रिभुज होगा। जो त्रिभुज है उसके मध्य बिंदु को मिलाने से उसी प्रकार के त्रिभुज बनेगा। जैसा त्रिभुज, अगर ये मान लेते हैं ये पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु एक्स वाई जेड लेते हैं, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, एक्स वाई जेड को जब मिलाएंगे तो ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है तो एक्स वाई जेड भी समकोण त्रिभुज होगा। जैसा त्रिभुज है उसके भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो उसी प्रकार के त्रिभुज बनेगा। दूसरा थ्योरम, माध्यिका, मीडियन होता है माध्यिका। ये त्रिभुज के शीर्ष से ये भुजा को दो बराबर भाग में काटता है। माध्यिका का काम है भुजा को दो बराबर भाग में बांटना। इसको भी दो बराबर भाग में बांट रहा है, नाम देते ए बी सी, माध्यिका का नाम डी ई एफ। तो इस त्रिभुज में माध्यिका है ए डी बी ई और सी एफ, माध्यिका है ए डी बी ई और सी एफ। माध्यिका जहाँ से कटता है, अगर इस बिंदु का नाम ओ देते हैं, माध्यिका का काम है जो भुजा को दो बराबर भाग में बांटना। माध्यिका जहाँ से कटता है ये 2:1 होता है, मतलब ए ओ रेशियो ओ डी बराबर 2:1। जिस कोण से खींचा गया है, फिर बी ओ रेशियो ओ ई बराबर 2:1, सी ओ रेशियो ओ एफ बराबर 2:1। भुजा को बराबर भाग में बांटता है और जहाँ से माध्यिका कटता है ये 2:1 होता है। चलिए अगला चलते हैं, इन सेंटर अंतः केंद्र। तीसरा है इन सेंटर अंतः केंद्र, इन सेंटर अंतः केंद्र। अंतः केंद्र जो है, अंतः केंद्र यह कोण समद्विभाजक से बनता है। इन सेंटर जो है कोण समद्विभाजक से बनता है। त्रिभुज है इसके कोण समद्विभाजक, ये कोण है, ये कोण है, ये समद्विभाजक से बनता है। ये कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर से बनता है, कोण समद्विभाजक से बनता है। ए बी सी ये डी है, तो जब एंगल बाइसेक्टर बनता है तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी डी, या कोण डी बराबर 90 प्लस कोण ए बाय टू। मगर इन सेंटर है, अंतः केंद्र है, तो इसमें वृत्त भी बना सकते हैं। वृत्त वैसे बनाना जरूरी नहीं है, मगर बना भी सकते। ये है इन सेंटर का जो काम होगा, ये ए बी सी एक त्रिभुज हो गया भुजा समद्विभाजक से, यहाँ फिर इस
ये कोण समद्विभाजक से, ये कोण को समद्विभाजक करके यहाँ यहाँ एक वृत्त बना देते हैं, यही होता है इनसेंटर। इनसेंटर जो बनता है तो इसमें कोण समद्विभाजक से बनता है, कोण समद्विभाजक से बनता है इनसेंटर जो है, कोण समद्विभाजक से बनता है। और इसका फॉर्मूला है जानते ही हैं, 90 प्लस कोण ए बाई टू, अगर ये निकालना होगा, ये मान लेते हो अगर बी ओ सी निकालना होगा तो 90 प्लस कोण ए बाई टू, अगर ए ओ सी निकालना होगा कोण ए ओ सी ये वाला कोण तो 90 प्लस कोण बी बाई टू, अगर ये वाला कोण निकालना है ए ओ बी तो 90 प्लस कोण सी बाई टू। अब चौथा सरकम सेंटर, परिकेंद्र, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर परिकेंद्र, परिकेंद्र जो होता है इसमें सिर्फ ये समझना है जो त्रिभुज के बाहर वृत्त होता है, ये त्रिभुज के बाहर वृत्त होता है परिकेंद्र, इसी को कहते हैं त्रिभुज के बाहर वृत्त होता है। तो अगर ये कोण है, ये केंद्र बना दिए, अगर ये कोण है x तो ये हो जाएगा 2x, ये वृत्त के थ्योरम में बताया होंगे, अगर ये x होगा तो ये 2x होगा। माने सर ये इन सेंटर में जो है अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर वृत्त है और परिकेंद्र में त्रिभुज के बाहर वृत्त है, ये त्रिभुज के बाहर वृत्त, ये त्रिभुज से बाहर वृत्त है। तो अगर ये कोण होगा, ये कोण होगा अगर मान लीजिए 50 तो केंद्र वाला कोण हो जाएगा ये 100 डिग्री हो जाएगा, डबल होता है। तो यही है सरकम सेंटर परिकेंद्र। अगला पांचवा है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, लंब केंद्र में थ्योरम नहीं समझना है, सिर्फ क्वेश्चन के बारे में समझना है, क्वेश्चन अगर लंब केंद्र कहेगा तो कैसे होगा। अगर ये कह रहा है ए बी सी एक त्रिभुज है और ओ लंब केंद्र है, ओ लंब केंद्र है, ओ लंब केंद्र है, तो चाहे ये दिया होगा चाहे ये दिया होगा एक बात पूछेगा, अगर ये दिया होगा तो ये पूछेगा, ये दिया होगा तो ये पूछेगा। तो जो पूछेगा ये दोनों का जोड़ 180 होता है, लंब केंद्र अगर रहेगा तो कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस कोण ए बराबर होगा 180 डिग्री। तो जो दिया होगा उसको 180 में से घटा लेंगे आंसर हो जाएगा। जैसे दूसरा देखिए इस टाइप से, अगर ये त्रिभुज है ए बी सी और ओ लंब केंद्र है, ओ लंब केंद्र है, कोण बी दिया है 54, कोण बी दिया है 54, तो पूछेगा कोण ए ओ सी बराबर क्या होगा, कोण बी दिया है 54 ए ओ सी और कहेगा ओ लंब केंद्र है, तो 180 में से घटा लीजिए क्योंकि ये दोनों का जोड़ क्या होगा 180, 180 से घटा लेंगे तो आ जाएगा 126 डिग्री, ए ओ सी बराबर 126 डिग्री। इसी टाइप से अगर ये रहता है ए बी सी एक त्रिभुज है, ओ लंब केंद्र है, ओ लंब केंद्र है, ये दे दिया 145 डिग्री, आपको ये दे दिया 145 कोण सी पूछ रहा है ये, तो इसमें 180 में से घटा देंगे एक्स बराबर 35 डिग्री, माने ये दोनों का जोड़ होता है 180, एक अगर दिया होगा दूसरा 180 में से घटा कर आंसर हो जाएगा। अगला छठा, छठा ऑर्थो सेंटर हो गया, सेंट्रोइड केंद्रक, सेंट्रोइड केंद्रक, केंद्रक यह जो है भुजा समद्विभाजक से बनता है,
या भुजा समद्विभाजक से बनता है। जैसे इन सेंटर था, कोण समद्विभाजक से बनता है, इन सेंटर अंतःकेंद्र और केंद्रक भुजा समद्विभाजक से बनता है। और या ये भी कह सकते हैं यह माध्यिका से बनता है। भुजा समद्विभाजक कहने का मतलब है माध्यिका, अगर भुजा समद्विभाजक कह रहे हैं तो इसका मतलब है माध्यिका, तो ये माध्यिका से बनता है। तो अगर इसका नाम डी ई एफ तो माध्यिका है, तो माध्यिका जहाँ से कटता है ये दो रेशियो एक में होता है, इसका नाम देते ओ, तो ओ ए रेशियो ओ डी बराबर बराबर ओ बी रेशियो ओ ई बराबर ओ सी रेशियो ओ एफ, ओ सी रेशियो ओ एफ बराबर टू रेशियो वन, टू रेशियो वन। तो माध्यिका जो करता है ये दो अनुपात एक में होता है। अगला